नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद अखिल जी का, इला शुक्ला जी का, प्रेमनाथ योगी जी का, दीपाली यादव जी, अर्चना ठाकुर जी, ज्योति जी, आनंदिता जी, आप सभी लोगों का आपके कमेंट्स के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उन सभी व्यूअर्स का, सब्सक्राइबर्स का, जो मेरे साथ बने रहते हैं और मुझे अपने कमेंट्स देते रहते हैं, लाइक देते रहते हैं, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे कह रहे थे कि पर्सनली भी मैसेजेस मेरे पास आ रहे थे कि अगर रीतिकाल की जगह मैं शुरू से रामचंद्र शुक्ल जी के बुक को पढ़ती चलूँ और अच्छे से नोट्स बनवाती चलूँ तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैंने उन सब की बातों को ध्यान में रख कर रामचंद्र शुक्ल जी की बुक को शुरुआत से लेकर आज से मैं शुरुआत से लेकर चलूंगी और एक ही वीडियो के अंत में उस दिन का जो भी पढ़ाया हुआ होगा उसके इम्पोर्टेंट नोट्स वीडियो के अंत में आपको बता दूंगी। जो भी तीन चार महत्वपूर्ण लाइनें होंगी उनको आप लिख लीजिएगा। इस तरह से पूरी बुक के आपके बहुत सुंदर नोट्स तैयार हो जाएंगे जिनके बाहर से आपको कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, तो शुरू से पढ़ते हुए चलते हैं ताकि आपकी जो रामचंद्र शुक्ल जी की बुक की समस्या है वो खत्म हो जाए, क्योंकि आजकल कोई भी परीक्षा हो सबसे ज्यादा प्रश्न इसी बुक से पूछे जाते हैं। आप लोग प्रश्न पत्रों को उठाकर देख सकते हैं और जिन लोगों ने अभी, जिनको नहीं समझ आ रहा है कि जिन्होंने पुस्तक को नहीं पढ़ा है उन्हें नहीं अंदाज लग पा रहा होगा, तो जब आप पूरा पढ़ेंगे मेरे साथ में तब आपको पता चलेगा कि जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें से बहुत बड़ा हिस्सा इस किताब का होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले काल विभाजन से शुरू करेंगे और जो भी इंपॉर्टेंट लाइन होंगी वो वीडियो के अंत में मैं आपको बताती चलूंगी। रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं, जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहां की जनता की चित्त वृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि किसी भी जो देश का साहित्य होता है वो वहां निवास करने वाली जनता के मन की अवस्था या मन के भावों का पर जो होता है प्रदर्शन होता है। जो भी जनता के मन में होता है वही साहित्य के रूप में सामने आता है। और ये बात ध्यान रखिएगा कि ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लाइन है, ये मैं आपको बाद में भी बता दूंगी लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछी जाती है, ये आपके पास अलग लिखी होनी चाहिए। तो जब ये निश्चित है कि जनता की चित्त वृत्ति के परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है, मतलब जब जनता की मनोभावों की जैसे जैसे मनोभावों में परिवर्तन होता है वैसे ही वैसे वहां का साहित्य भी परिवर्तित होता जाता है, उसी हिसाब से वहां का साहित्य भी परिवर्तित होता जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्त वृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है। मतलब शुरू से अंत तक जो भी जनता के मन के भाव हैं उनको परखते हुए, उनको समझते हुए, उनका साहित्य के साथ में सामंजस्य दिखाना कि किस तरह से जो जनता के मनोभाव हैं वो साहित्य के साथ जुड़े हुए हैं, उस सामंजस्य को दिखाते हुए चलना ही साहित्य का इतिहास कहलाता है। ठीक है, जनता की चित्त वृत्ति बहुत कुछ राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है। अब जनता के मनोभाव रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं किस पे निर्भर करते हैं, वहां की राजनीतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियों पर। अतः कारण स्वरूप इन्हीं परिस्थितियों का किंचित दिग्दर्शन भी साथ साथ आवश्यक होता है। जब राजनैतिक, सामाजिक, सांप्रदायिक और धार्मिक परिस्थितियां इनका कारण होती हैं तो कारण, क्योंकि कारण वो हैं तो कारण स्वरूप इनको भी थोड़ा थोड़ा सा देखते चलना भी जरूरी हो जाता है। इस दृष्टि से हिंदी साहित्य का विवेचन करने में यह बात ध्यान रखनी होगी कि किसी विशेष समय में लोगों में रुचि विशेष का संचार और पोषण किधर से और किस प्रकार हुआ। मतलब जब हम हिंदी साहित्य का विवेचन करेंगे या उसकी विवेचना करने में हमें ये ध्यान बात को भी अपने दिमाग में रखना होगा कि यदि किसी खास समय पर जनता का जो लगाव है या रुचि है वो किसी विशेष साहित्य की विधा की तरफ बढ़ गई है तो ये उनमें कहाँ से आया, ये संचार उनमें कहाँ से हुआ, उसको पोषण कहाँ से मिला, मतलब क्या कारण बने कि जनता का झुकाव उस
विशेष विधा की तरफ या विशेष टॉपिक की तरफ, विषय की तरफ हुआ। उपर्युक्त व्यवस्था के अनुसार हम हिंदी साहित्य के 900 वर्षों के इतिहास को चार कालों में विभक्त करते हैं। रामचंद्र शुक्ल जी ने, ये जो भी मैं बोल रही हूँ ये सारा कुछ रामचंद्र शुक्ल जी के अनुसार ही है, मैं बार बार इसको नहीं बोलूंगी। उन्होंने हिंदी साहित्य के 900 वर्षों को चार कालों में विभक्त किया। ये काल आपको बहुत अच्छे से तैयार होंगे। आदिकाल, जिसे वीर गाथा काल भी कहा जाता है, जिसका समय संवत 1050 से 1375 तक है, ठीक है। पूर्व मध्यकाल, जिसे भक्ति काल कहते हैं, जो 1375 से 1700 तक है। उत्तर मध्यकाल, जिसे रीति काल कहते हैं, जो 1700 से 1900 तक है। आधुनिक काल, जिसे गद्य काल कहा जाता है, ये 1900 से 1984 तक है। यद्यपि इन कालों की रचनाओं की विशेष प्रवृत्ति के अनुसार इनका नामकरण किया गया है, पर यह ना समझना चाहिए कि किसी विशेष काल में और प्रकार की रचनाएं होती ही नहीं थी। रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि यद्यपि ये ध्यान में रखा गया है कि उस समय जो विशेष प्रवृत्ति रही वहां की जनता की, उसी के अनुसार उस काल का नामकरण किया गया है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं समझ लेना चाहिए कि उस विशेष काल में किसी और प्रकार की रचनाएं हुई ही नहीं। जैसे भक्ति काल या रीति काल को लें तो उसमें वीर रस के अनेक काव्य मिल जाएंगे, जिसमें वीर राजाओं की प्रशंसा उसी ढंग से की गई होगी जिस ढंग से वीर गाथा काल में हुआ करती थी। मतलब भक्ति काल में भी कुछ आपको बहुत सारी ऐसी रचनाएं मिल जाएंगी जिनमें वीर रस का प्रयोग हुआ है, और बिल्कुल वैसे हुआ जैसे वीर गाथा काल में हुआ है। अतः प्रत्येक काल का वर्णन इस प्रणाली पर किया जाएगा कि पहले तो उक्त काल की विशेष प्रवृत्ति सूचक उन रचनाओं का वर्णन होगा और उस काल के लक्षण के अंतर्गत होगी, संक्षेप में उनके अतिरिक्त और प्रकार को और प्रकार की ध्यान देने योग्य रचनाओं का उल्लेख किया जाएगा। ये अपनी पुस्तक के बारे में बता रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी की, पहले उन रचनाओं का बात होगी, उन रचनाओं का वर्णन होगा जो उस काल की प्रवृत्ति विशेष की सूचक होंगी, जो जिस धारा में पूरी जनमानस बह रहा होगा उस विशेष प्रवृत्ति की सूचक होंगी, पहले उन्हें रखा जाएगा, और बाद में और भी जो उस धारा से अलग कुछ ध्यान देने योग्य रचनाएं होंगी उनको भी हम पढ़ेंगे। आदिकाल, चलिए थोड़ा सा आदिकाल से आज शुरू कर लेते हैं, फिर इसी तरह से हम लोग पढ़ते चले जाएंगे। जहां से प्राकृत अपनी अंतिम अवस्था से में पहुंचती है, वहीं से हिंदी साहित्य का आविर्भाव यानी शुरुआत मानी जा सकती है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दोहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा के पद्य का पद्य समझा जाता था। मतलब यदि उस समय गाथा शब्द देख लिया जाता था तो उससे ये बोध हो जाता था कि ये प्राकृत भाषा का है, उसी तरह से दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश प्रचलित काव्य भाषा का पद्य समझा जाता था। अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी, ये देखिए अपभ्रंश को ही रामचंद्र शुक्ल जी प्राकृताभास हिंदी भी कह रहे हैं, पूछा जाता है ये के पद्यों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योग मार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है, ठीक है। कहां से पता चलता है प्राकृत या अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों का सबसे पहला पता कहां से चलता है, सबसे पुराना? तांत्रिक और योग मार्गी बौद्ध जो थे उनकी सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर कब चलता है, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। कब पता चलता है, विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में। भोज, मुंज और भोज के समय संवत 1750 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं के में भी पाया जाता है। कब पाया जाता है, मुंज और भोज के समय यानी 1750 के लगभग में ऐसी अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। मतलब उस समय तक जो शुद्ध साहित्य लिखा जाता था उसमें अपभ्रंश या पुरानी हिंदी का प्रयोग
शुरू हो गया था, पूरी तरह से मिलने लगा था। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1750 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के कुछ समय पीछे तक माना जा सकता है। ये पंक्तियाँ पे महत्वपूर्ण है, पूछी जाती है कब से कब तक माना जाता है, भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ और पीछे तक माना जा सकता है, ठीक है। यद्यपि जनश्रुति इस काल का आरंभ और पीछे ले जाती है, मतलब लोक श्रुति या लोगों के अनुसार जो जनश्रुति है उसके अनुसार इस काल, ये काल और भी पीछे से माना जा सकता है और पहले से माना जा सकता है। और संवत 1770 में भोज के पूर्व पुरुष राजा मान सिंह के सभासद पुष्य नामक किसी बंदी जन का दोहों में एक अलंकार ग्रंथ लिखना बताती है। मतलब रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं यदि जनश्रुति पे जाया जाए तो ये परंपरा यानी अपभ्रंश की परंपरा 770 में राजा भोज के पहले जो राजा मान सिंह के सभासद के पुष्य नामक एक बंदी जन के दोहों से प्रारंभ होती है, जिन्होंने एक अलंकार ग्रंथ लिखा था, ठीक है। और ये कैसे पता चलता है, ये शिव सिंह सरोज की किताब से पता चलता है, पर इसका कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं है। मतलब माना तो जा सकता है लेकिन इसका कोई भी, आदिकाल में इस दीर्घ परंपरा के बीच प्रथम 150 वर्ष के भीतर तो रचना की किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं होता है। मतलब यदि आदिकाल की इतनी लंबी परंपरा की बात की जाए, 150 वर्षों की परंपरा की बात की जाए, तो वहाँ पर किसी विशेष प्रवृत्ति का निश्चय नहीं हो पाता है। मतलब किसी भी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चलता है। धर्म नीति श्रृंगार वीर सब प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। ये आदिकाल की बात हो रही है जहाँ पर किसी भी विशेष प्रवृत्ति का पता नहीं चल रहा है। 150 सालों में भी धर्म नीति श्रृंगार वीर सभी प्रकार की रचनाएं दोहों में मिलती हैं। जहाँ पे इस अनिर्दिष्ट लोक प्रवृत्ति के उपरांत जब मुसलमानों की चढ़ाइयों का आरंभ होता है, तब से हम हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति का एक विशेष रूप, हिंदी साहित्य की प्रवृत्ति एक विशेष रूप में बंधती हुई पाते हैं। मतलब आदिकाल में जो आदिकाल का प्रारंभिक 150 वर्ष है उसमें कोई भी निश्चित जो विशेष प्रवृत्ति हमें दिखाई नहीं देती है, और उस अनिश्चित लोक प्रवृत्ति के बाद में जब मुसलमानों की चढ़ाई होती है, जहाँ से मुस्लिम आक्रमण शुरू होते हैं, तब से हिंदी साहित्य एक खास प्रवृत्ति के रूप में बंधती हुई दिखती है, और इसीलिए उसके बाद के जो काल हैं वो उनकी प्रवृत्तियों के स्पष्ट परिचायक बन जाते हैं। राजाश्रित कवि और चारण जिस प्रकार नीति श्रृंगार आदि के फुटकल दोहे राजसभा में सुनाया करते थे, उसी प्रकार अपने आश्रयदाता राजाओं के पराक्रमपूर्ण चरित्रों या गाथाओं का वर्णन भी किया करते थे। मतलब ये आदिकाल की बात हो रही है, जिस तरह से राज्य के आश्रित जो कवि होते थे, जो चारण आदि होते थे, वो नीति श्रृंगार आदि सभी के फुटकल दोहे राजसभाओं में सुनाते थे, और उसी तरह जो लोग, जो राजा उनको आश्रय देते थे, उनके पराक्रमपूर्ण चरित्रों को और गाथाओं का भी वर्णन करते थे। यही प्रबंध परंपरा रासों के नाम में से पाई जाती है, जिसे लक्ष्य करके हमने इस काल का नाम वीर गाथा काल रखा है। अब यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल जी बता रहे हैं कि इसका नाम उन्होंने वीर गाथा काल क्यों रखा है, क्योंकि सारी नीति श्रृंगार सभी के दोहे वो गाया करते थे, लेकिन ज़्यादातर अपने जो भी जिनके भी वो आश्रित होते थे, उन राजाओं के जो वीरता का वर्णन, उनकी जो पराक्रम का वर्णन किया करते थे, और ये वर्णन प्रबंध परंपरा रासों में के नाम से पाई जाती है। जो भी रासों ग्रंथ लिखे गए उनमें ये परंपरा पाई जाती है। इसी वजह से, इसी रासों परंपरा को लक्ष्य करके रामचंद्र शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। ठीक है, आदिकाल की बात चल रही है, याद रखिएगा।
दूसरी बात इस काल के संबंध में ये ध्यान देने की है कि इस काल में जो साहित्यिक सामग्री प्राप्त है उसमें से कुछ असंदिग्ध और कुछ संदिग्ध है। इस संदिग्ध सामग्री में जो कुछ प्राप्त है उसका भाषा उसकी भाषा अपभ्रंश अर्थात प्राकृताभास यानी प्राकृत की रूढ़ियों में बहुत कुछ बद्ध हिंदी है। इस अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी का अभिप्राय यह है कि यह उस समय की ठीक बोल चाल की भाषा नहीं है जिस समय की इनकी रचनाएं मिलती हैं। यह उस समय के कवियों की भाषा है। कवियों की भाषा ने काव्य परंपरा के अनुसार साहित्यिक प्राकृत के पुराने शब्द तो लिए ही हैं। जैसे पीछे की हिंदी में तत्सम संस्कृत शब्द गिनाए लिए जाने लगे थे। विभक्ति कारक चिन्ह और क्रियाओं के रूप आदि बहुत कुछ अपने समय से कई सौ वर्ष पुराने रखे गए। यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि जो भी हमारा साहित्यिक जो भी भाषा साहित्यिक रूप धारण करती है वो पहले बोलचाल की भाषा होती है और बोलचाल की भाषा ही बाद में साहित्यिक रूप धारण कर लेती है और जो उसका सरलीकृत रूप लोगों के बीच में बोलचाल की भाषा बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि आदिकाल का जो भी साहित्यिक सामग्री प्राप्त हुई है उसमें से कुछ संदिग्ध और कुछ असंदिग्ध है। असंदिग्ध जो सामग्री प्राप्त होती है उसकी भाषा प्राकृताभास हिंदी है। ठीक है, अब इस समय की भाषा से उनका क्या अभिप्राय, इस समय की भाषा से अभिप्राय ये है कि जो इस समय कवि लोग भाषा का प्रयोग कर रहे थे उस समय वो जनभाषा ना रह गई थी। जनभाषा उसके पहले थी लेकिन बाद में ये साहित्यिक रूप में परिवर्तित हो गई थी। इसी से जो विभक्तियाँ कारक चिन्ह और क्रियाएँ आदि का रूप उसमें प्रयुक्त हुआ है वो कई सौ वर्ष पुराने रखे गए हैं। बोलचाल की भाषा घिस घिस कर बिल्कुल जिस रूप में आ गई थी सारा वही रूप न लेकर कवियों और चारण आदि भाषा का बहुत कुछ वह रूप व्यवहार में लाते थे जो उनसे कई वर्ष पहले से कवि परंपरा में रखती चली आ रही थी। मतलब जो भाषा लोक भाषा उस समय चल रही थी जो शब्द घिस घिस कर लोक भाषा जन साधारण के शब्द बन गए थे कवियों ने चारण लोगों ने उस भाषा को प्रयोग नहीं किया। उन्होंने उससे कई सौ वर्षों के पहले जो कवि परंपरा के शब्द थे कवि परंपरा की भाषा थी उसको प्रयोग में लाया। ठीक है, इसीलिए अपभ्रंश के जो नमूने हमें पद्यों से मिलते हैं वे उस काव्य भाषा के हैं जो अपने पुराने पुरानेपन के कारण बोलने की भाषा से कुछ अलग बहुत दिनों तक आदिकाल के अंत क्या उसके पीछे तक पोथियों में चलती रही। मतलब जो हमें अपभ्रंश के नमूने मिले हुए हैं पद्यों के जो भी नमूने मिले हैं वो भाषा जनसाधारण की भाषा नहीं थी, वो बोलने वाली भाषा से कुछ अलग थी जो बहुत आदिकाल के अंत क्या उसके भी थोड़ा बाद तक पोथियों में चलती रही जो जनसाधारण की भाषा से अलग थी। विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य में एक और तो पुरानी परंपरा के कोई कवि संभवतः सारंगधर हमीर की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे। यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य तक किस तरह की भाषाएं प्रयोग हो रही थी, चलिए ये देख लेते हैं। एक और तो जहाँ सारंगधर हमीर देव की वीरता का वर्णन ऐसी भाषा में कर रहे थे, कैसी भाषा में, चलिए वीर हमीर पाव भर मेणिय कंपई दिगमगण अंधार धूल सुर रह अच्छा अच्छा इह। दूसरी ओर मियाँ खुसरो दिल्ली में बैठे ऐसी बोलचाल की भाषा में पहलियाँ और मुकरियाँ कह रहे थे। जिस समय ईसा विक्रम की 14वीं शताब्दी के मध्य की बात हो रही है जहाँ पे हमीर देव इस तरह की जो उस समय की साहित्यिक भाषा थी कवियों की भाषा थी उसमें हमीर देव की वीरता का वर्णन कर रहे थे, वहीं जो खुसरो थे वो बोलचाल की भाषा को अपना रहे थे। और उस बोलचाल की जो भाषा का नमूना है वो क्या है, एक नार ने अचरज किया सांप मार पिंजरे में दिया, ये उस समय की बोलचाल की भाषा थी।
इसी प्रकार 15वीं शताब्दी में एक और विद्यापति बोलचाल की मैथिली के अतिरिक्त इस प्रकार की प्राकृताभास पुरानी काव्य भाषा भी बनते रहे। किस तरह की? अब ये पुरानी काव्य भाषा की बात हो रही है। बाल चंद बिजामही भाषा दुह नहीं गक दुज्जन हासा। और दूसरी ओर कबीर दास जी अपनी अटपटी बानी से अपनी अटपटी बानी इस बोली में सुना रहे थे। अगिन जो लागी नीर में कंदो जलिए झारी, उत्तर दक्षिण के पंडिता रहे बिचारी बिचारी। यहाँ पर उन्होंने एक ही समय पे चलने वाली जो भाषाओं में अंतर है वो दिखाया है। यहाँ रामचंद्र शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि उस समय की जो साहित्यिक भाषा थी वो भाषा उस समय से कई सौ वर्ष पहले जो कवि लोग प्रयोग करते थे वो साहित्यिक भाषा थी, और उसका सरलीकृत रूप जो उस समय की बोलचाल की भाषा थी जिसका प्रयोग कौन कर रहे थे? अमीर खुसरो जी कर रहे थे। उसमें एक अच्छा खासा अंतर हमें देखने को मिलता है। सारांश यह है कि अपभ्रंश की यह परंपरा विक्रम की 15वीं शताब्दी के मध्य तक चलती रही, साथ साथ हिंदी भी शुरू हो गई थी। यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं रामचंद्र शुक्ल जी, एक ही कवि विद्यापति ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार किया है, पुरानी अपभ्रंश भाषा का और बोलचाल की देसी भाषा का। दोनों भाषाओं का भेद विद्यापति ने स्पष्ट रूप से सूचित किया है। दो तरह की भाषा, साहित्यिक भाषा और बोलचाल की भाषा, विद्यापति जी ने दोनों भाषाओं का प्रयोग किया और दोनों का जो भेद है उसको भी स्पष्ट रूप से सूचित किया। और सूचित करते हुए उन्होंने कहा, देसिल बयाना सब जन मिठा, ते तैसन जम्पो अभट्टा, है ना। मतलब देसी जो बोलचाल की भाषा थी वो उस समय भी सबको ज्यादा प्रिय थी, अर्थात देसी भाषा सबको मीठी लगती है। इससे वैसा ही अपभ्रंश मैं कहता हूँ, मतलब वैसी ही भाषा का मैं प्रयोग करता हूँ जो सबको मीठी लगती है। विद्यापति ने अपभ्रंश से भिन्न प्रचलित बोलचाल की भाषा को देसी भाषा कहा। अपभ्रंश की भाषा से जो भिन्न उस समय प्रचलित बोलचाल की भाषा थी जो उसको क्या कहा है? देसी भाषा कहा है। अतः हम इस अर्थ में इस शब्द का प्रयोग कहीं कहीं आवश्यकतानुसार करते रहेंगे। आदिकाल के प्रकरण में से पहले हम अपभ्रंश की रचनाओं का संक्षिप्त उल्लेख करेंगे, तब देसी भाषाओं का वर्णन करेंगे। तो दोस्तों ये था काल विभाजन रामचंद्र शुक्ल जी की बुक के अनुसार और आदिकाल का सामान्य परिचय, जिसमें अभी आप एक काम करिए, जो मेन जो इसकी लाइनें हैं वो लिख लीजिएगा, जो इसकी प्रमुख सबसे प्रमुख लाइन है जो बहुत ज़्यादा पूछी जाती है कि प्रत्येक देश की साहित्य वहाँ की जनता की चित्त वृत्ति का सचित्र प्रतिबिंब होता है। ये रामचंद्र शुक्ल जी द्वारा गई गई पंक्ति बहुत ज़्यादा पूछी जाती है। इसके बाद आपको इसमें जो इसका काल विभाजन है वो याद रखना है। इसके बाद आपको ये याद रखना है कि अपभ्रंश में जिस तरह से प्राकृत में जिस तरह से गाथा का प्रयोग होता था उसी अर्थ का बोध अपभ्रंश में दुहा शब्द कराता था, ठीक है। उसके बाद आपको ये याद रखना है कि महाराज भोज के समय से लेकर हमीर देव के समय के कुछ पीछे तक आदिकाल रामचंद्र शुक्ल जी ने माना है, ठीक है। उसके अलावा आदिकाल में उन्होंने बताया है रामचंद्र शुक्ल जी ने दो प्रकार की भाषाओं का व्यवहार हो रहा था, एक साहित्यिक भाषा जो अपभ्रंश थी जो कई सौ वर्षों से साहित्य के पद पर विराजमान थी, उन साहित्यिक पद शब्दों के अनुसार लिखा जा रहा था साहित्य, और एक रूप था जो उस समय वर्तमान में लोक प्रचलित भाषा थी, लोगों के द्वारा जो बोली जा रही थी उस भाषा का प्रयोग हो रहा है और इसको हो रहा था। ये रामचंद्र शुक्ल जी ने अपने उदाहरण द्वारा एकदम स्पष्ट किया है। दूसरी बात ये बताई है कि उन्होंने किस आधार पर वीर गाथा नाम काल दिया, क्योंकि चारण लोग ज़्यादातर अपने राजाश्रित जिन राजाओं के आश्रित थे उनकी पराक्रम का वर्णन करते थे और ज़्यादातर आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए, इसी आधार पर उन्होंने इस काल को वीर गाथा काल नाम दिया, ठीक है। उम्मीद करती हूँ रामचंद्र शुक्ल जी का बस इतना ही है, इतना आप लिख लेंगे आपको इसके बाहर कोई भी प्रश्न नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी से आप कर लेंगे। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपके काम का होगा, और अच्छा कमेंट्स द्वारा फीडबैक देते चलिएगा ताकि मैं और सुधार कर सकूं
और इम्प्रूवमेंट कर सकूं ताकि पूरी तरह वीडियो आपके लिए उपयोगी हो। कमेंट्स देते रहिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, क्योंकि मैं वीडियोस बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ। आपका भी सहयोग अपेक्षित है। साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।